नमस्कार सर, मेरा नाम भावना प्रजापति है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कड़ेल अजमेर है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम इम्प्रूव्ड बैसाखी है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया मुझे इस प्रकार आया कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रही थी, तभी उस बस में एक बुजुर्ग व्यक्ति चढ़े। बस में काफ़ी भीड़ थी, जिस वजह से उन्हें सीट नहीं मिल पाई। मैंने देखा कि उनके हाथ में एक साधारण सी छड़ी थी। छड़ी को देखकर मैंने सोचा, क्यों ना इस छड़ी में बदलाव किया जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इस छड़ी से कुर्सी भी बनाई जा सके। यह आइडिया मैंने अपनी प्रोजेक्ट गाइड टीचर को बताया और उन्होंने मुझे यह मॉडल बनाने में मदद की। अब मैं मेरे मॉडल की विशेषताएँ बताती हूँ। यह कुर्सी है, यह अब साधारण बैसाखी बन गई। इसे हम नॉर्मली जब चले तब इसका उपयोग कर सकते हैं। जब हम थक जाए या हमें इसकी ज़रूरत लगे कि अब हमें बैठने की ज़रूरत है, तो अब हम इसे वापस कुर्सी में बदल सकते हैं। यदि कोई बुज़ुर्ग आदमी रात को आ रहा हो तो उसको चोट ना लगे, इस वजह से मैंने इसमें लाइट सिस्टम भी किया है। आजकल टेक्निकल ज़माना है, अगर हमारे बुज़ुर्गों का फ़ोन डेट हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो उसे चार्ज करने के लिए मैंने इसमें चार्जिंग पॉइंट भी लगाया है। इस प्रकार वह अपने मोबाइल को कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं। इन सभी सिस्टम को चलाने के लिए हमने इसमें रिचार्जेबल बैटरी लगाई है, जिसे हम कहीं पर भी कभी भी चार्ज कर सकते हैं। हमने कई बार सुना है कि हमारे बुज़ुर्गों के साथ लूटपाट की घटना हो जाती है, तो उनके बचाव के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक्स सिस्टम लगाया है, जिसकी वजह से यदि कोई चोर आए तो उन्हें वह अपनी रक्षा कर सकते हैं। अब मैं आपको इस शॉक सिस्टम को चला के दिखाऊंगी। शौक से चोर लुटेरे कुछ समय के लिए घायल हो जाएं और वह अपना बचाव कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैं भारत सरकार को देकर सभी बुजुर्गों की मदद करना चाहती हूँ, ताकि वह इन सभी परेशानियों से मुक्त हो सके। धन्यवाद सर।